नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी साइबर पैनल के बारे में। साइबर पैनल किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, एसएसएल इंस्टॉल करना, सब हमने बताया था। तो यहाँ पे हमने जब इंस्टॉल कर लिए साइबर पैनल, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप बैकअप इनेबल जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आप सिक्योर्ड हो जाएंगे कि आपको रेगुलर बैकअप मिलेगा, तो आपको टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं तो अगर कभी कोई इरर आता है तो आपको साइबर पैनल की तरफ से या डिजिटल ओशियन की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको ही फिक्स करनी है। तो यहाँ पे बैकअप जरूर इनेबल रखें ताकि आपकी वेबसाइट कभी बंद ना हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा यूजर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अगर किसी को होस्टिंग देना चाहते हैं तो होस्टिंग दे भी सकते हैं। साथ में आप पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे पैकेज डिफॉल्ट रूप में 100 MB का रहता है, जिसको आपको चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना है। जो हमारा डिफॉल्ट पैकेज है, यहाँ पे अभी एक ही पैकेज है, उसको हमें चेंज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो डिस्क स्पेस है, यहाँ पे केवल 1000 MB में लिखा है। अगर अनलिमिटेड यहाँ पे 0 लिख देंगे तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब नहीं 0 लिखने पे अनलिमिटेड हो जाएगा। आपको लिमिट तो जो मिली है वो 25 GB की ही मिली है, तो यहाँ पे आपको 25 GB से कम ही लिखना है। जैसे हम यहाँ पे 24,000 लिख दे रहे हैं, यानी 24 GB लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप अगर क्या कहते हैं $5 का इंस्टॉल करते हैं तो 1 TB के आसपास का ट्रांसफर मिलता है। तो यहाँ पे आप बैंडविड्थ जो लिखेंगे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 टाइम या 7 टाइम, जो भी हो। आप एक काम करिएगा कि 1 TB को MB में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद में FTP डेटाबेस, ये इतना मायने नहीं रखता, और इसको आप मॉडिफाइड कर दीजिए। तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ से, मतलब प्रॉब्लम तो ये नहीं है, लेकिन आपको पैकेज जरूर इसको करना चाहिए। तो यहाँ पे पैकेज क्रिएट करने के लिए, एज ए रीसेलर अगर आप बनना चाहते हैं होस्टिंग का, तो वो उसके लिए है। तो अभी तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर रीसेलर के बारे में बात हुई तो नेक्स्ट कभी दूसरी वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपने पर्सनल वेबसाइट के बारे में कर रहे हैं, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। यूजर में, यूजर अगर आप किसी को और क्रिएट करना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मेन होता है यहाँ पे डेटाबेस, डेटाबेस का एक्सेस यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट, फिर डेटाबेस का नाम, यूजर एंड पासवर्ड इंसर्ट करना रहता है, वैसे ही जैसे सब में करते हैं। और ये सारे जो आप डैशबोर्ड में देख रहे हैं, आपको लेफ्ट साइड में ये मेनू साइड है आपका, यहाँ पे साइड बार, यहाँ से भी आप डेटाबेस की वही सारी लिस्टिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपको अगर अपना डेटाबेस देखना है तो आप यहाँ से अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करिए, जो भी वेबसाइट है, और उस पे कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया गया है, उस डेटाबेस का नाम और यूजर। अगर आप पासवर्ड भूल गए या पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको अपने डेटाबेस एक्सेस करना है तो ID पासवर्ड आपके पास रहेगा, यहाँ से PHPMYAdmin और /index.php पे जा करके आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल तरीका है। अगर यहाँ से आप, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से DNS को कनेक्ट करो, आप सीधे जो है आप नेटवर्किंग पे जाइए और यहाँ से DNS कनेक्ट करिए, या फिर यही IP एड्रेस जो है इंसर्ट कर दीजिए, आपका जो DNS है IP वहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, अपने GoDaddy या कहीं पे भी हो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप क्रिएट नेम सर्वर करना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉइंट करिए इस अपने IP एड्रेस पे, और यहाँ पे आप अपना नेम सर्वर इंसर्ट करिए। यहाँ पे ऐसा कुछ हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ईमेल अगर आपको क्रिएट करना है तो ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल में वही सारी चीजें हैं जो कि आप डिलीट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। FTP क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे बैकअप, यहाँ से भी बैकअप ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ऐसा कोई इरर आया कि ड्रॉपलेट में ही इरर आ गया, तो वहां से आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे जब इसको, तो बैकअप, तो आपको बैकअप रिस्टोर करने के लिए प्रॉब्लम होगी, तो ये भी आपके काम का नहीं होगा। यहाँ पे SSL हमने इंस्टॉल करना बताया था। आप SSL सिंपल तरीके से जाते हैं और वन क्लिक करते हैं, अपना डोमेन सेलेक्ट करते हैं और इशू SSL कर देते हैं, आपका SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो जाता है, जस्ट 1 मिनट के आसपास लगता है। यहाँ पे आप और भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, चाइल्ड वेबसाइट एज ए सब डोमेन नेम में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे
किसी भी वेबसाइट को आप सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप एक रीसेलर हैं और आप पर्टिकुलर वेबसाइट को सस्पेंड करना चाहते हैं, अगर आपकी बिलिंग नहीं हुई है, उसने पैसा आपको नहीं दिया है, तो यहाँ से आप इस वेबसाइट को सस्पेंड कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आप उसको जो है सस्पेंड करने के बाद उस सस्पेंशन को हटा भी सकते हैं। इस तरीके से है, आप कोई भी अगर क्रिएट करेंगे पैकेज, यहाँ पे डिफॉल्ट है तो पैकेज की लिस्ट यहाँ पे आएगी और उस पर्टिकुलर यूजर को आप सेलेक्ट कर देंगे, डोमेन इंसर्ट कर देंगे और उसको वो आईडी पासवर्ड दे देंगे तो वो साइबर पैनल एक्सेस कर पाएगा। लेकिन उसमें कुछ कमांड ऐसे रहेंगे, कुछ कंट्रोल ऐसे रहेंगे जो उसको नहीं मिलेंगे, जिससे आप वो किसी चीज को डिलीट नहीं कर पाएगा और ना ही एडमिन वाली चीज को वो एक्सेस कर पाएगा, तो ये उसको परमिशन नहीं रहेगी। बाकी यहाँ से आप हर कुछ मैनेज कर सकते हैं साइबर पैनल में। और इसको ओपन, वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आप लिस्ट ऑफ वेबसाइट चेक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ वेबसाइट चेक करने के लिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी वेबसाइटें रहेंगी वो यहाँ पे दिखेंगी और यहाँ से आप डायरेक्ट फाइल मैनेजर ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट दिखेगी। तो यहाँ से जब आप फाइल मैनेजर देखेंगे तो यहाँ पे वो सारी चीजें जैसे आप कंट्रोल पैनल में देखा करते थे, यहाँ पे अब 1000 यहाँ पे आप देखिए आपके पास 25 GB का यहाँ पे आपको दिखा रहा है यूसेज, पहले 100 MB का था। और यहाँ से आप ऐड डोमेन नेम कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डोमेन कर सकते हैं, जो भी सारी चीजें आप कंट्रोल पैनल में मेनली देखा करते थे वो सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज की जरूरत है, यहाँ पे आपको पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन में एडिट पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन को जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पे जब भी आप अपना एक पर्टिकुलर पीएचपी जिसको आपको अलॉट करना है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 256 MB रखना चाहिए। 256 एग्जीक्यूशन टाइम 30 सेकेंड इज एनफ है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस मत करिए। यहाँ पे मैक्सिमम अपलोड फाइल मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कम से कम 2000 MB कर दीजिए। और यहाँ पे पोस्ट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पे 64 कर दीजिए, उसके बाद में इसको सेव कर दीजिए, तो ये आपका काम बन जाएगा। जैसे ही बड़ी फाइल आप अपलोड करते यहाँ पे भी फाइल मैनेजर में, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम कर जाता है। इसके अलावा फाइल मैनेजर में आप और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे अपलोड में अपलोड लिमिट को कैसे इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली बता दिया। यहाँ से करने के बाद आप डायरेक्ट जो है इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो ये दिक्कत यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें ग्लोबली हमने चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। अगर आपको करना है तो ये देखिए वी होस कॉन्फिग में जा करके यही जो कोड लिखा है इसको चेंज कर दीजिए, हमारा काम बन गया। आप पर्टिकुलर वेबसाइट का भी पीएचपी यहाँ पे बदल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे गए, हमारे पास जो हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे पीएचपी वर्जन एक ही वेबसाइट का हमें इंक्रीज करना है, बाकी से वेबसाइट का डिफरेंट रखना है, तो यहाँ से भी आप पीएचपी वर्जन को चेंज कर सकते हैं, एसएसएल भी ऐड कर सकते हैं और अपने री राइट रूल, यानी आप जो है एचटीटी एक्सेस फाइल को भी री राइट कर सकते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ बातें थी, जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने बता दी, ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिए। मेन चीज जो मैंने यहाँ पे बताई वो भाई है कि यहाँ से आप बैकअप जरूर इनेबल करें अगर आप अपनी वेबसाइट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। यहाँ से आप बैकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ से अगर आप बैकअप क्रिएट करते हैं और आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिससे आप ड्रॉपलेट ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ये पैनल ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बैकअप का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आप अगर बैकअप लेना चाहते हैं अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का, तो डायरेक्टली आप बैकअप लीजिए प्लगइन के माध्यम से, जहां से आप ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन से लीजिए और साथ में यहां से भी बैकअप बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको बैकअप का सोर्स अच्छा लगता है डायरेक्टली प्लगइन के माध्यम से, उससे आप लोकल कंप्यूटर में अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको क्लाउड में करना है तो डिजिटल ओशियन का ही जो ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है वही इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।